मोहम्मद आमर का धमाका खेज इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद आमर ने बता दिया वो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल होने लगे हैं। बाबर आजम ने उनको इजाज़त दे दी है, वसीम सेक्टर ने ये फैसला कर लिया है, जबकि रमीज राजा भी बिल्कुल रेडी हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ा बयान सुनाते हैं हम आपको आगे चल के, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मोहम्मद आमर T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल हो रहे हैं, और वो किसकी जगह पर हो रहे हैं वो भी हम आपको बताने लगे हैं। जी हाँ, ईशान मसूद को टीम से ड्रॉप किया जा रहा है, और उनकी जगह पर जो है फैसला किया गया है कि यहाँ पर मोहम्मद आमर को चांस दिया जाए, क्योंकि आपको पता है मोहम्मद आमर जो है वो अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कराते हैं। और उधर अगर बॉलर में से देखा जाए तो बॉलर 5 बॉलर के साथ पाकिस्तानी टीम ग्राउंड में जाने को तैयार है, क्योंकि मोहम्मद आमर को 4 ओवर्स कंप्लीट करवाने का मौका मिलेगा, क्योंकि उनकी वापसी का इरादा बन गया है। तो मोहम्मद आमर ने धमाका खेल दिए, हमें पता है कि मैं बहुत जल्द जो है वो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल होगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उम्मीद है कि वो वर्ल्ड कप के मैच में खेलने आ जाए, अगर यहाँ पर ना आ सके तो हो सकता है इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज में भी वो हमें खेलता हुआ नजर आएंगे। मोहम्मद आमिर अगर T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ना आ सके तो वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में आने को है तैयार। उन्होंने बड़ा बयान दे दिया, उनका कहना है कि मैं वापस टीम में आना चाहता हूँ, मैं पीसीबी के लिए जो है वो अवेलेबल हूँ। बहुत बड़ा बयान दिया है मोहम्मद आमिर ने, तो देखते हैं कि मोहम्मद आमिर टीम में अपनी जगह बना सकते हैं या नहीं। दोस्तों आपकी राय क्या है, हमें कमेंट के जरिए लाजमी बताएँ।